गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल सब्जेक्ट साइंस ऑफ क्लास 4, चैप्टर नंबर 10, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. यहाँ पे सेफ्टी के बारे में इस चैप्टर में बताया जा रहा है. चलिए हम पढ़ते हैं. ओके टीचर, स्टूडेंट्स लुक एट द पिक्चर. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? एक टीचर है जो कि बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चों इस पिक्चर में देखो और आप बताओ कि आपको क्या दिख रहा है. रीना, सर दिस इज द पिक्चर ऑफ एन एक्सीडेंट. तो रीना एक बच्ची होती है जो कि बोलती है कि सर ये पिक्चर है एक एक्सीडेंट का. टीचर, वेरी गुड, हाउ कैन यू अवॉइड इट? टीचर बोलते हैं कि वेरी गुड, शाबाश, अब बताइए कि इसे हम इससे बच कैसे सकते हैं. पीटर, फिर एक बच्चा होता है पीटर जो कि बोलता है एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी फॉलो द सेफ्टी रूल्स. तो वो बोलता है कि एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें. टीचर, वेरी गुड, नाउ आई टेल यू मोर अबाउट सेफ्टी रूल्स, लिसन केयरफुली. तो टीचर बोलते हैं कि बहुत सही, अच्छी बात है, अब आप और भी ज़्यादा जानने के लिए सेफ्टी रूल्स के बारे में मेरी तरफ, मतलब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए. वी मस्ट बी केयरफुल वेदर वी आर एट होम और आउटसाइड. हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए चाहे हम घर में रहें या घर के बाहर रहें. मेनी एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स. बहुत सारे एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम केयरफुल है और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें. ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है सेफ्टी एट होम. घर में हम कैसे सेफ्टी को फॉलो कर सकते हैं, फिर कैसे सेफ रह सकते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है. यहाँ बताया जा रहा है कि आप बहुत आपको ध्यान देना चाहिए कि आप फ्लोर पे उस समय ना दौड़ें जिस समय पोछा लगा हुआ हो या फिर आपका जो फर्श है वो गीला हो, क्योंकि बहुत जल्दी आप वहाँ स्लिप कर सकते हैं और गिर के आप उस समय भी एक्सीडेंट क्रिएट हो सकता है ना. तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए कहाँ, घर पे. नेक्स्ट है यहाँ पे, आपको अपने रूम में नहीं दौड़ना चाहिए. आप रूम में जैसे दौड़ते हैं तो आपको नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि दौड़ते हुए आपको कहाँ किससे टकरा जाए, आप कहाँ गिर जाए, तो आपको क्या हो सकता है, चोट लग सकती है, वो चाहे फर्नीचर से या फिर दीवार से या फिर किसी और चीज़ से. ठीक है, फिर है यहाँ पे कह रहा है कि जो लैडर्स होती हैं, सीढ़ियाँ जो होती है या फिर स्टूल होता है, आपको जब कोई चीज़ ऊपर रखी होती है और आपको चाहिए हुआ होता है तो आप क्या करते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं कहीं भी रख के. तो ये आपको नहीं करना चाहिए. जब भी आप ऐसा कीजिए तो किसी बड़ों को कह दीजिए कि वो स्टूल पकड़े या फिर उस लैडर को पकड़े रहें और फिर आप वो चीज़ निकालें. ठीक है, तो ये सेफ्टी रूल्स है कहाँ किसके लिए, आपके घर के लिए. नेक्स्ट है सेफ्टी इन द बाथरूम. बाथरूम किस तरीके से सेफ्टी होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है. मेक श्योर यू डू नॉट वेट द होल बाथरूम. इफ़ इट विल वेट, ड्राई इट अप यूजिंग अ वाइपर. आप हमेशा देखते हैं जब आप बाथरूम में नहाते हैं तो आप पूरे बाथरूम को ही गीला कर देते हैं, है ना. तो कोशिश कीजिए कि जो बाथरूम है आपका वो पूरी तरीके से गीला ना हो. अगर वो गीला होता है तो तुरंत आप उसको वाइपर से सुखवा दीजिए, क्योंकि अगर आप सुखा नहीं करेंगे तो आप फिसल के खुद ही गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है ना. फिर उसके बाद है डू नॉट लीव एनी सोप एंड शैम्पू ऑन द बाथरूम फ्लोर. कभी भी बाथरूम के फ्लोर पे शैम्पू या साबुन को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप उससे भी स्लिप करके गिर सकते हैं और आपको हर्ट हो सकता है ना. फिर उसके बाद है स्विचिंग ऑन और ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल आइटम, मेक श्योर योर हैंड्स आर कम्प्लीटली ड्राई एंड यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर विदाउट स्लीपर. जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, बहुत खास ध्यान रखिए कि आपके हाथों में कोई गीला चीज़, मतलब आपका हाथ गीला ना रहे, पूरी तरीके से सूखा रहे. प्लस आप जहाँ खड़े हैं वहाँ का एरिया, मतलब जो फ्लोर है वो ना गीली हो, या फिर आप बिना स्लीपर के किसी भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स को ना छूएं. ठीक है, क्योंकि आपको शॉक लग सकता है, शॉक लगने पर आपको हार्म हो सकता है.
नेक्स्ट है सेफ्टी इन द किचन। किचन में आप कैसे सेफ्टी को फॉलो कर सकते हैं या सेफ रह सकते हैं। आप कभी भी स्टोव लाइट या फिर लाइटर या फिर गैस से दूर रहिए, मत खेलिए आप उससे, या फिर उसको आप कोशिश मत करिए जलाने की। अगर फैमिली में कोई है तो आप बड़े उससे कहिए, या फिर आपकी मम्मी है तो वो उनसे कहिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। कभी भी आप कोशिश मत कीजिए कि मैं जाके गैस जला लूँगा या जला लूँगी, तो ये सब बहुत ही हार्मफुल है। अगर एक बार भी लापरवाही हो गई या फिर रिस्क आपने लिया तो फिर ये किसी को छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये आग है। ठीक है, आप कभी भी मैच स्टिक से या मैच बॉक्स से, मतलब माचिस की तीली से और माचिस के बॉक्स से नहीं खेलना चाहिए आपको। ठीक है, आपको शार्प चीज़ जैसे कि नाइफ हो गया और ब्लेड वगैरह हो गए, तो इन सब चीज़ों से आपको नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शार्प होती है, बड़े आसानी से आपके स्किन को काट सकती हैं, है ना। फिर हमेशा स्टोव से आप दूर रहिए। कभी भी किसी भी चीज़, मतलब बॉइलिंग करना या फिर फ्राइंग चीज़ें हैं, उन वो सारी चीज़ों से आपको, मतलब गर्म चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। या फिर कभी आप कोई चीज़ बॉयल करते हैं या फिर फ्राइंग करते हैं तो उस समय भी आप जल सकते हैं, है ना, तो स्टोव से भी आपको दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट इज़ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के बारे में बता रहा है कि पॉइजनिंग भी हमारे घर में एक कॉमन तरीके का क्या है, एक्सीडेंट है। कभी भी आपको मेडिसिन ऐसे ही मतलब नहीं खानी चाहिए। हमेशा जब भी आप कोई मेडिसिन खाते हैं तो जब तक आपके पेरेंट्स या फिर डॉक्टर आपको ना कहे उस चीज़ को खाने के लिए ना कहे, तब तक आपको उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो एक पॉइजन का काम कर सकता है और आप बहुत बड़ा केस हो सकता है ना। तो कभी भी ऐसी कोई मेडिसिन आपको नहीं खानी चाहिए जब तक आपके पेरेंट्स और आपके डॉक्टर उसके लिए एडवाइस ना दें। फिर है आपको कोई भी खाने वाली चीज़ जो कि ख़राब हो चुकी हो, मतलब महक चुकी हो या फिर खुला हुआ खाना हो, उसको आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, फूड पॉइजनिंग कर सकता है। तो जितने पॉइजन होते हैं वो केमिकल, मतलब कि जितने भी केमिकल जो कि पॉइजनस हो सकते हैं, उनको भी बच्चों से दूर रखना चाहिए ताकि वो वहाँ तक ना पहुँच सकें। ठीक है, फिर उसके बाद है सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में किस तरीके से आपको सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। आपको कभी भी सीढ़ियों पे दौड़ना नहीं चाहिए। आपको जब भी आपको चढ़ना है या फिर नीचे उतरना है, जब आप जाते हैं तो आपको आपको अपना लेफ़्ट साइड यूज़ करना चाहिए, चाहे आप जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं। ठीक है, अपने लेफ़्ट साइड से ही आपको जाना आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है आपको कभी भी इस पे ये जो लगा हुआ है ना, इस पे आपको सरकना नहीं चाहिए, आराम से पकड़ के सिर्फ आना चाहिए। फिर है नेक्स्ट है आपको कभी भी ब्लेड या फिर और कोई शार्प चीज़ों को अपने पेंसिल को शार्प करने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कोई भी कटर या फिर ब्लेड वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में भी आपको सेफ रहना चाहिए। आप किस खेलते समय किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, किसी से लड़ना नहीं चाहिए, या फिर आपको झूले पे जैसे लोग बैठे रहते हैं तो आपको उसमें धक्का नहीं देना चाहिए, या फिर आपको वेट करना चाहिए कि जब झूला झूल लिया जाए तभी आप क्रॉस कीजिए वहाँ से। तो ये सब तरीके हैं, और आप जब झूलते हैं तो बहुत ऊपर ना झूलें, प्रॉपर तरीके से खेलिए, कोई चीटिंग किसी से नहीं करना चाहिए खेलते समय। ठीक है, तो प्लेग्राउंड में इन चीज़ का ध्यान रखिए। फिर है नेक्स्ट सेफ्टी एट द रोड। रोड पे आपको चलते वक्त कैसे सेफ्टी रहना चाहिए, आपको हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, प्लस जब भी आप क्रॉस करते हैं रोड तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग बहुत सेफ होता है और सारी गाड़ियाँ उस समय रुक जाती हैं और आप अपने जो, मतलब आपको जब क्रॉस करना होता है तो आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। ओके, फिर है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जो है एक इमीडिएट हेल्प है, जो कि किसी भी पर्सन को जो कि इंजर्ड होता है उसको प्रोवाइड करने में अच्छा होता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले आप उसे क्या कहते हैं, देते हैं फर्स्ट एड। ठीक है,
जो कि बहुत ज़रूरी है, हमेशा होना चाहिए सबके पास। ये फर्स्ट एड जो है किसी भी इंजर्ड इंसान को रिलैक्स फील कराने में मदद करता है और थोड़ी देर के लिए हम उसको मतलब दर्द से दूर रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर केस मतलब क्रिटिकल है तो फिर ये फर्स्ट एड भी नहीं काम करेगा। फर्स्ट एड तो आप अचानक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको डॉक्टर के पास उसे ले जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एड टिप्स बताया गया है, अगर खेलते वक्त या फिर दौड़ते वक्त किसी के हाथ पैर में मोच आ जाता है तो फर्स्ट एड में एक बैंडेज होता है जिससे आप टाइटली उसे बैंड कर दें तो उससे उसको कुछ राहत मिल सकती है। अगर उसको कहीं चोट लग गया है तो आप उसको कॉटन से साफ कर सकते हैं, सेवलॉन या डिटॉल वगैरह उस पर लगा के एंटीसेप्टिक लोशन लगा सकते हैं और बैंडेज उस पर बांध सकते हैं, ठीक है। अगर बर्न है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अगर बर्न है तो आप उसको तुरंत कोल्ड वाटर से धुलिए, फिर उसके बाद उस पर कोई बर्नर जो होता है या फिर कोई जेल वगैरह हो उसको लगाइए, फिर उसके बाद आप कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए, फिर उसके बाद कुछ देर के लिए वो फील होगा उसको रिलैक्स, और उसके बाद आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। नेक्स्ट टाइम फॉर इंसेक्ट बाइट, अगर इंसेक्ट बाइट करता है मतलब कोई कीड़ा मकौड़ा काटता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बेकिंग सोडा और क्रीम जो कि एंटीसेप्टिक होना चाहिए या फिर जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे आपको लगा देना चाहिए, और उसको भी एक ठंडे जो आइस वगैरह होता है उससे आपको उस पर लगाना चाहिए, जिससे कि जो अगर स्वेलिंग होना है या फिर दर्द हो रहा है तो उससे कुछ देर के लिए राहत रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर नोज़ ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, इन दिस केस आपको क्या करना है, उसके नाक को पिंच किए रहना चाहिए। कब तक, कम से कम 7 से 8 मिनट तक उसको पिंच करना चाहिए ताकि वो जो ब्लड हो रहा है निकल रहा है वो ठीक हो जाए। फिर आपको किसी भी वेट टॉवल से उसके फेस को और नेक को पोंछ देना चाहिए और उसको कुछ देर के लिए लिटा देना चाहिए। फिर है नेक्स्ट When a person has fainted, अगर कोई भी person जो है बेहोश हो जाता है तब आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है उसको लिटा देना चाहिए और फिर उसके बाद उसके हाथ को सीधा कर देना चाहिए और उसके बाद उसको फ्रेश हवा उसके कांटेक्ट में रहे और उसका जो ब्लड सर्कुलेशन उसके ब्रेन तक जाए इस वजह से उसे खुली हवा में सांस लेना चाहिए, और फिर उसके बाद आप उसे फर्स्ट एड बॉक्स में या फिर कुछ भी दे सकते हो, उसको पानी उसके मुंह पे डाल सकते हैं तो उससे वो वापस होश में आ जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट एड जो बॉक्स है वो अपने होम में, स्कूल में और मतलब हर जगह रखनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में, एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, सेवलॉन होना चाहिए और सैनिटाइज़र भी होना चाहिए, याद रखिए क्योंकि इस समय सैनिटाइज़र तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। बैंडेड होना चाहिए, कॉटन पैड्स होने चाहिए, सीजर्स होने चाहिए, क्रीम होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें, टेप वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं कॉमनली आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर कम्प्लीट होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, विच इज़ करेक्ट। ओके, फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट अकर ड्यू टू आवर, सो योर आंसर इज केयरलेसनेस। ओके, सेकेंड इज ऑलवेज वॉक ऑन द डैश, योर आंसर इज फुटपाथ। नाउ थर्ड इज ऑलवेज फॉलो द डैश लाइट ऑन द रोड, सो योर आंसर इज ट्रैफिक। फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेंट्स हार्मफुल केमिकल्स दैट कैन बी पॉइजनस, सो योर आंसर इज इंसेक्टिसाइड, ठीक है। फिफ्थ इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड, सो आंसर इज फर्स्ट एड। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश कैन हैपन व्हेन वी आर नॉट केयरफुल, सो योर आंसर इज एक्सीडेंट्स। सेकेंड इज डू नॉट रन इन द हाउस स्पेशली इफ द फ्लोर हैज जस्ट बीन मॉप्ड, ओके, मतलब जब पोछा लगा हुआ होता है।
Then third is do not play with the dash and dash. So answer is matchbox, matchstick. Fourth is do not run on the dash. Your answer is stairs. Fifth is always cross the road at the dash. So your answer is zebra crossing. Now C number is write T for true and F for false statement. First is safety rules are not required when we are in the playground. So your answer is false. Second is we should not play with matchstick. True. Third is we should run on the wet floor. False. Fourth is we should cross the road at the zebra crossing. True. Fifth is we must keep the first aid kit in our homes. True. Okay, in this way your chapter is completed. You will get all the question answers as your homework. So that's all for today. Thank you so much.